दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे पेटीएम से किसी का भी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कैसे करेंगे। अगर दोस्तों आप भी पेटीएम एप्लीकेशन को यूज करते हो, आप चाहते हैं कि दोस्तों पेटीएम आपसे किसी का भी बैंक अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करना, लेकिन दोस्तों आपको पता नहीं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यह समय वीडियो को शुरू कर लेते, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अगर दोस्तों आपका मोबाइल पे गूगल पे फोन पे पेटीएम एप्लीकेशन थ्रू दोस्तों कुछ भी आपका मोबाइल पे प्रॉब्लम है, तो दोस्तों मेरा वीडियो का कमेंट बॉक्स में आपका जो भी प्रॉब्लम है दोस्तों कमेंट कर देना। अगर दोस्तों प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोस्तों मेरे हाथों में है, तो दोस्तों 100% मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पेटीएम आपसे किसी का भी बैंक अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करने के लिए आपको दोस्तों सबसे पहले एक जरूरत पड़ेगा। आप दोस्तों जिसका भी बैंक अकाउंट के अंदर आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हो उसका दोस्तों अकाउंट नंबर और दोस्तों उसी वाली बैंक अकाउंट का आईएफएससी कोड आपको दोस्तों जरूरत पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद ही दोस्तों आप पेटीएम आपसे दोस्तों उसी वाली बैंक अकाउंट के अंदर आप पैसा ट्रांसफर कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी मैं आपका सामने दोस्तों लाइव प्रूफ के साथ पेटीएम आपसे दोस्तों दूसरे वाली बैंक अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करके मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए आपको करना क्या है, दोस्तों अपना मोबाइल पे पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ठीक है, ओपन करने के बाद दोस्तों आपको इस तरफ का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको पता ही होगा यहाँ पे दोस्तों आपको पैसा ट्रांसफर करने के लिए काफी सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आप किसी का भी क्यूआर कोड का मदद से स्कैन करके दोस्तों आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वाले ऑप्शन को दोस्तों आप यूज कर पाओगे। और दोस्तों किसी का भी आप मोबाइल नंबर डाल के आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वाले ऑप्शन को आप यूज कर पाओगे। और दोस्तों आप अगर किसी का भी बैंक अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करने के लिए पोर्ट नंबर ऑप्शन को दोस्तों आप यूज कर पाओगे। ठीक है, जो कि दोस्तों टू बैंक और दोस्तों सेल्फ अकाउंट। ठीक है, आपको दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको काफी सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आप किसी का भी बैंक अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे दोस्तों आप क्लिक करोगे, और दोस्तों मान लो कि आपने अगर पेटीएम एप्लीकेशन के अंदर दो बैंक अकाउंट ऐड करके रखा है, आप चाहते कि दोस्तों खुद का बैंक अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करने के लिए इस वाले ऑप्शन को दोस्तों आप यूज कर पाओगे। ठीक है, और दोस्तों आप अगर किसी का मोबाइल नंबर डाल के आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वाले ऑप्शन को दोस्तों आप यूज कर पाओगे। और उसके बाद दोस्तों पूरा लास्ट वाला ऑप्शन दोस्तों, आप अगर किसी का यूपीआई के अंदर आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते, तो दोस्तों इस वाले ऑप्शन को दोस्तों आप यूज कर पाओगे। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हम पेटीएम आपसे दोस्तों किसी का भी बैंक अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कैसे करेंगे। इसीलिए दोस्तों आपको करना क्या, पहला वाला ऑप्शन पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना। ठीक है, जो कि दोस्तों इंटर बैंक अकाउंट डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना, और उसके बाद दोस्तों आपको इस तरफ का इंटरफेस आएगा। ठीक है, अभी दोस्तों आपको बैंक अकाउंट को आपको सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, अब दोस्तों जिस वाली बैंक अकाउंट के अंदर दोस्तों आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते उसी वाली बैंक अकाउंट को दोस्तों आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो कि दोस्तों आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसी वाली बैंक अकाउंट के अंदर आप पैसा भेजना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक है यहाँ पे आप पैसा भेजना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, मान लो कि दोस्तों आपने जिस वाली बैंक अकाउंट के अंदर आप पैसा भेजना चाहते उसी वाली बैंक अकाउंट दोस्तों यहाँ पे दोस्तों शो नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब दोस्तों दिखाई नहीं दे रहे, तो दोस्तों आपको करना के पास्ट में दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंटर द बैंक नेम। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक करके आप दोस्तों जिस वाली बैंक अकाउंट के अंदर आप पैसा भेजना चाहते उसी वाली बैंक अकाउंट का दोस्तों यहाँ पे आपको नाम एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों वहाँ पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, तो चले दोस्तों मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसी वाली बैंक अकाउंट के अंदर दोस्तों मैं आपका सामने दोस्तों लाइव प्रूफ के साथ पेटीएम आपसे दोस्तों पैसा ट्रांसफर करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको भी दोस्तों आपका बैंक अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना, और उसके बाद दोस्तों आपको इस तरफ का इंटरफेस आएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो इंटर रिसीवर बैंक डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको बैंक डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर आपको डाल देना, और यहाँ पे दोस्तों आपको सेकंड नंबर पे दोस्तों आपको आईएफएससी कोड दोस्तों आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं अकाउंट नंबर में डाल देता हूँ, और ये लो दोस्तों मैंने अकाउंट नंबर और दोस्तों आईएफएससी कोड मैंने दोस्तों डाल दिया। ठीक है, आपको भी दोस्तों डालने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं प्रोसीड पे में क्लिक करूंगा, और उसके बाद दोस्तों ये जो अकाउंट नंबर दोस्तों किस व्यक्ति का नाम का दोस्तों अकाउंट नंबर रजिस्टर है उस व्यक्ति का नाम दोस्तों यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या, एड्रेस बेनिफिशियरी पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, और उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा लोडिंग लेगा। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अमाउंट आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, आप दोस्तों कितना पैसा आप भेजना चाहते उतना दोस्तों यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि दोस्तों फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मैं 1 रुपीज ट्रांसफर करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैंने एंटर किया 1 रुपीज, और उसके बाद दोस्तों देखिए अगर आपने दोस्तों पेटीएम एप्लीकेशन के अंदर दो बैंक अकाउंट या 3 बैंक अकाउंट ऐड करके रखा है, तो दोस्तों आपको बैंक अकाउंट सिलेक्ट करने के लिए दोस्तों आपको करना के यहाँ पे दोस्तों आपको एरो पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैंने दोस्तों पेटीएम एप्लीकेशन के अंदर 4-5 बैंक अकाउंट ऐड करके रखा है। ठीक है, तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि इस वाली बैंक अकाउंट से दोस्तों मैं पैसा कटवाना। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको भी सिलेक्ट कर लेना, आप दोस्तों जिस वाली बैंक अकाउंट से आप पैसा कटवाना चाहते वहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक करके आपको दोस्तों करना है यहाँ पे दोस्तों आपको पे पे आपको क्लिक कर देना, और उसके बाद दोस्तों आपने जो यूपीआई पिन दोस्तों क्रिएट करके रखा है ना दोस्तों वो यूपीआई पिन दोस्तों आपको डाल देना। ठीक है,
और ये लो दोस्तों, मैंने यूपीआई पिन डाल दिया। डालने के बाद दोस्तों मैं राइट ऑप्शन पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा और उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा प्रोसेसिंग ले रहा है, ठीक है। तो वेट करेंगे आपका सामने दोस्तों लाइव प्रूफ के साथ। दोस्तों देख सकते हो मैंने दोस्तों पेटीएम आपसे दोस्तों बैंक अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करके मैं आपको दिखा दिया, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आपका सामने लाइव प्रूफ के साथ, ठीक है। आप भी दोस्तों इसी तरह पेटीएम आपसे दोस्तों किसी का भी बैंक अकाउंट के अंदर आप पैसा ट्रांसफर कर पाओगे, ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों मेरी बात आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी दोस्तों आपका मन में कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो दोस्तों मेरा वीडियो का कमेंट बॉक्स में आपका जो भी प्रॉब्लम है दोस्तों कमेंट कर देना। अगर दोस्तों प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोस्तों मेरे हाथों में है तो दोस्तों 100% मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।